कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो फल हैं या सब्जियों में जो भी प्रमुख एल्कलाइड्स होते हैं या वर्णक कह लीजिए, जिनके कारण किसी में कसैलापन या कड़वापन, तो आज उनकी बात करेंगे। किस फल में या प्याज में, लहसुन में गंध क्यों आती है, इन सभी की बात करेंगे। इससे एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। राजस्थान सुपरवाइज़र हो गया, ADO हो गया, SDO हो गया, यूपी कैटेट में जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं आप, उसमें से यानी जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम है, इन सभी में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, TGT PGT। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, जो नेक्स्ट पहला जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि सब्जी का इसमें से क्या है कि खीरे में कड़वाहट किसके कारण हो। जैसा आप खीरा खाते हैं ना, तो हल्का कड़वाहट आपको महसूस होता है, किसके कारण होता है खीरे में कड़वाहट? कुकरबिटेसिन। किसके कारण होता है? कुकरबिटेसिन के कारण खीरे में कड़वाहट होता है। लहसुन में गंध किस लिए किसके कारण आता है? जब आप लहसुन छीलते हैं ना, उसमें विशेष प्रकार की गंध आती है, तो किसके कारण? एलाइसिन कुचले हुए में अमीनो अम्ल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका करेले में कड़वाहट, जब आप करेला खाते हैं तो उसमें कड़वाहट होता है किसके? मेमोर्डिकेसिन टेट्रासाइलिक, इसके कारण क्या होता है करेले में कड़वाहट होता है। तुरई में कड़वाहट किसके कारण होता है? तुरई में जो आपका कड़वाहट होता है किसके कारण होता है? एमोटिन। हल्दी का पीला रंग, हल्दी कैसा होता है आपका? पीले रंग का होता है, तो किसके कारण होता है? कुकरकुमिन के कारण इसमें से हल्दी में पीला रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अरबी में कड़वाहट क्यों होती है? अरबी में जो कड़वाहट होती है कैल्शियम ऑक्सैलिक एसिड के कारण। अरबी जब आप खाते हैं ना, आपको कड़वा हल्का फील होता है, तो अरबी में कड़वाहट कैल्शियम ऑक्सैलेट के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंगन में कड़वाहट, जैसे आप बैंगन खाएंगे तो कच्चा तो आपको थोड़ा हल्का कड़वा लगेगा, तो बट बैंगन में जो कड़वाहट होती है किसके कारण होती है? ग्लाइको एल्कलाइड्स। ये एग्ज़ाम में बहुत ही बार पूछा गया है क्वेश्चन कि बैंगन में जो कड़वाहट होती है किसके कारण होती है? किसके कारण होती है? ग्लाइको एल्कलाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चने की पत्तियों में खट्टापन, जब आप चना खाते हैं तो चने की पत्तियों में आपको एक खट्टापन महसूस होता है, खट्टी उसकी पत्ती लगी, तो किसके कारण होता है चने में खट्टापन? मैलिक ऑक्सैलिक अम्ल होता है, मैलिक ऑक्सैलिक एसिड होता है जिससे चने की पत्तियों में खट्टापन आता है, जैसे चने की पत्तियों की आप साग सब्जी वगैरह बनाते हैं। आलू में हरापन, जैसे आप देखोगे खेत में आलू लगा होता है तो कहीं कहीं से ग्रीन कलर का हरा हो रहा हो जाता है, ये किसके कारण होता है? किसके कारण होता है कि आलू में हरापन? सोलेनिन नामक एक जहर पाया जाता है, उसके कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलों में पीलापन, जैसे ही आप मार्केट से ऑयल आते हैं, चाहे मस्टर्ड ऑयल हो, तो उसमें पीलापन आता है, किसके कारण होता है वो? एलाइल आइसोथायोसाइनाइड, या आप कह दें कैरिटोनाइज्ड, इसके कारण क्या होता है? तेल में पीलापन होता है, सूरजमुखी के तेल में कसैलापन, यानी कि सूरजमुखी का जो तेल में कसैलापन होता है, गाढ़ापन, किसके कारण होता है कसैलापन? ऑक्सीकरण के कारण कसैलापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रतालू में क्या होता है? डायोसजेनिन। किसमें होता है? रतालू में। अनानास में क्या होता है? ब्रोमेलिन होता है। अंगूर में क्या होता है? अंगूर में कौन सा एसिड होता है? अंगूर में होता है गैलिन अम्ल। कौन सा होता है? अंगूर में क्या होता है? गैलिन अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीकू में क्या होता है? सेपोनिन। टमाटर आप देखोगे कि कितना बढ़िया प्यारा सा टमाटर रहता है, उसका कलर कैसा है? रेड कलर का होता है, तो टमाटर का जो रेड कलर होता है किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण। आप वीडियो को अंत तक ही देखें, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी आपके एग्ज़ाम में के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे यूपी कैटेट कुछ भी आप कर रहे हो, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, हर बार आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिर्च का लाल रंग, मिर्च का जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है? कैप्सिसिन। इन दोनों में हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि लाल रंग और मिर्च का चटपटाहट, क्योंकि दोनों ये सेम एक जैसे ही नेम है, तो मिर्च का जो लाल रंग होता है कैप्सिसिन के कारण होता है, और मिर्च में जो चटपटाहट होती है किसके कारण होती है? कैप्सिसिन। लास्ट में क्या था? कैप्सिसिन, जैसे मिर्च को खा के सनसनाहट आने लगती है, तो मिर्च में जो
चटपटाहट होती है किसके कारण होती है? कैपेसिन के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है भाई? गाजर का जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है? कैरोटीन। गाजर में जो लाल रंग होता है, सॉरी, गाजर का लाल रंग होता है एंथोसाइनिन के कारण होता है, और गाजर का जो पीला रंग होता है वह कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, गाजर में जो लाल रंग होगा किसके? एंथोसाइनिन के कारण होता है, और गाजर का जो पीला रंग होता है किसके कारण होता है? इसके कारण होता है कैरोटीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूली, जब आप मूली खाते हैं तो हल्का सा आपका चटपटाहट रहती है, तो मूली में जो चटपटाहट होती है किसके कारण होती है? थायोसाइनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक में कड़वाहट, जब आप अदरक खाते हैं तो अदरक आपको ऐसा लगता है कड़वा लगता है, तो अदरक में जो कड़वाहट होती है किसके कारण होती है? किसके कारण? जीजी रोल, घीजी रोल पाया जाता है जिसमें अदरक में कड़वाहट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीरा में कड़वाहट, क्यूमिनोल, जीरा में कड़वाहट किसके कारण होता है? क्यूमिनोल के कारण। सौंफ, जब आप सौंफ खाते हैं तो एक विशेष प्रकार की अच्छी गंध आती है, तो सौंफ में गंध किसके कारण होती है? फ्रेंकोन व एथिनिलोन, किसके कारण होती है? फ्रेंकोन व एथिनिलोन के कारण सौंफ में गंध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्याज का लाल रंग, प्याज का लाल रंग एंथोसाइनिन, वैसे जितने भी ज़्यादातर जो लाल रंग होता है एंथोसाइनिन के कारण ही होता है कुछ को छोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्याज का पीला रंग, यहाँ पे देखेंगे आप प्याज का जो लाल रंग है वो तो एंथोसाइनिन के कारण होता है, लेकिन जो प्याज का पीला रंग है, पीला भी प्याज का रंग होता है, किसके कारण होता है? क्वरसेटिन, इसके कारण होता है क्वरसेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्याज में आपका जो चटपटाहट होता है, प्याज आपका खाने में तीखा होता है ना, तो प्याज में जो चटपटाहट होता है किसके कारण होता है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण प्याज में क्या होता है? चटपटाहट होता है। लहसुन में जो चटपटाहट होता है किसके कारण? डाई एलाइल डाइसल्फाइड। प्याज में चटपटाहट किसके कारण होता है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। और लहसुन गार्लिक में किसके कारण? डाई एलाइल डाइसल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लहसुन में जो गंध आती है वो किसके कारण आती है? एलाइसिन के कारण लहसुन में क्या आती है? गंध आती है एलाइसिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शलजम में चटपटाहट क्यों आती है? शलजम में चटपटाहट क्यों होती है? शलजम में जो चटपटाहट होती है किसके कारण होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण होती है। थैंक यू। अगर हमारे इस वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।